हेलो एवरीवन, सो गाइस आज मैं जा रहा हूं आपको स्टोरी सुनाने यंगेस्ट आईपीएस साफिन हसन की। आप लोग इन्हें जानते होंगे, साफिन हसन को। ये जो है इंडिया के यंगेस्ट आईपीएस ऑफिसर थे, मतलब कि बड़े ही कम उम्र में ये आईपीएस ऑफिसर बने। तो क्या राज था इनका कि इतने जल्दी इतने कम उम्र में ये आईपीएस ऑफिसर बन गए, यूपीएससी एग्जाम क्रैक किया। आप लोग जानते हो कि यूपीएससी बड़ा ही टफ एग्जाम है और इंडिया का बड़ा ही जाना माना और बड़ा ही अच्छा एग्जाम है। तो यूपीएससी क्रैक करना इतना आसान नहीं है। तो क्या इनकी स्टोरी थी, कैसे ये आईपीएस ऑफिसर बने, गाइस आप वीडियो पर लास्ट तक बने रहेंगे आपकी जिंदगी को चेंज कर देगा। अगर आप कोई भी चीज की तैयारी करो, यूपीएससी, बीपीएससी, एसएससी, रेलवे, बैंक, कोई चीज की, ये स्टोरी आपको मोटिवेट करेगा और आपको आगे बढ़ने के लिए बड़ा ही हेल्प करेगा। कैसे हम कोई भी एग्जाम को जल्दी से क्रैक करें, ये वीडियो आपके लिए ही है। कैसे हम जल्दी से कोई भी पोस्ट को हासिल करें, ये वीडियो आपके लिए। तो गाइस ये स्टोरी है साफिन हसन जी की। जब ये तैयारी कर रहे थे तो ये क्या देखते थे कि बहुत लोग क्या है, क्या करते हैं, आजकल का फैशन ये है कि जो मान के चलिए मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूं तो मैं इंटरव्यू की वीडियो देखूंगा जिन्होंने यूपीएससी का एग्जाम क्रैक कर दिया है, जो आईएएस ऑफिसर बन गए, मैं उन्हीं का वीडियो देखूंगा। अधिकतर लोग क्या करते हैं, 90% लोग वो फॉलो करते हैं सक्सेसफुल लोगों की। वो देखना चाहते हैं कि वो कैसे सक्सेस हुए, वो कैसे सक्सेसफुल बने, वो कैसे इस एग्जाम को तैयारी किए। तो साफिन हसन ने भी यही बोला कि मेरा जो बैच था, मेरे जो फ्रेंड सर्किल थे, वो लोग भी यही करते थे। वो लोग सिर्फ वीडियो देखते थे किसका, जो जिन्होंने एग्जाम क्रैक कर दिया, वो डेली 10 वीडियो देखते थे जो सक्सेसफुल हो गए, जो एग्जाम यूपीएससी क्रैक कर दिए। बट मैंने ऐसा नहीं किया। क्यों पता है क्यों? वो सक्सेसफुल लोग को फॉलो नहीं करते थे, जिन्होंने एग्जाम क्रैक कर दिया उनकी वीडियो ये नहीं देखते थे। इनका कहना था मैं उनकी वीडियो देखता था जो सक्सेस नहीं हो पाए, जिन्होंने एग्जाम नहीं क्रैक कर पाया। क्यों? क्योंकि जहां वो फंसे, जहां वो उन्होंने गलती किया, वो गलती मैं उनकी देखकर, वो मैं गलती नहीं करूंगा। और इसलिए वो इतने जल्दी आईपीएस ऑफिसर, सबसे यंगेस्ट आईपीएस ऑफिसर बन गए, क्योंकि वजह ये था उन्होंने सारी जितने भी लोग फेल हुए उनकी वीडियो देते थे कि कहां उन्होंने गलती किया, कहां उन्होंने कम प्रिपरेशन किया। तो उन्होंने जो फेल हुए, जो एग्जाम नहीं क्रैक कर पाए, उन्होंने अपनी सारी गलतियां शेयर किया। वो गलतियां साफिन हसन ने सारी कैच की, सारी गलतियों को सुधारी और वो ध्यान दिए कि हमको ये गलतियां नहीं करना है। इसलिए वो इतने कम उम्र में इंडिया के यंगेस्ट आईपीएस ऑफिसर बने। समझ में आई बात को? तो ये चीज आपको सिखाता है, सक्सेसफुल लोग जो होते हैं ना, वो अपनी गलतियां बुराइयां नहीं बताएंगे। वो सिर्फ बताएंगे कि हमने ऐसे किया, 10 घंटा पढ़ता था मैं, एनसीईआरटी पढ़ता था मैं, इस बुक को पढ़ता था। वो किसी का अपना गलतियां नहीं बताएंगे कि कहां आपको गलतियां नहीं करना है, कहां आपको ये चीज नहीं करना, वो नहीं बताएंगे। बट जो फेल हुए, जिन्होंने क्रैक नहीं कर पाया, वो आपको बताएंगे कि आपको यहां गलतियां नहीं करना चाहिए था, मैंने यहां गलतियां किया, मैंने इस बुक पे इतना टाइम स्पेंड किया, मैंने ये सिलेबस को फालतू का पढ़ा। वो आपको ये बताएंगे ताकि आप वो गलती ना कर सको। तो अच्छा इंसान वही है जो दूसरी की गलतियों से सीखे और जल्दी सीख जाए और जल्दी सक्सेस हो जाए। समझ में आई बात को? तो यही बात साफिन हसन को आईपीएस बनाई इतनी कम उम्र में। समझ में आई बात को? तो ये होता है स्मार्ट वर्क, ये होता है शार्प माइंडेड। आप कैसे अपने आप को यूज कर रहे हो, आप कैसे कोई चीज को आगे ले जा रहे हो, आप कैसे अपने आप को मोटिवेट कर रहे हो। समझ में आई बात को? तो हमको ऐसे ही करना चाहिए। समझ में आई बात को? तो याद रखिए गाइस, दूसरों की गलतियों से भी हमें सीखना चाहिए। एग्जाम्पल मैं दूं, मान के चलिए आप इंग्लिश अगर स्पीकिंग कर रहे हो तो बहुत लोग क्या करते हैं, जब बोलते हैं तो ऊपर देखते हैं, गुड मॉर्निंग सर, रिस्पेक्टेड सर, बहुत लोग हाथ रखेंगे पैकेट में, बहुत लोग हाथ को पीछे रखेंगे। तो ये सब आपको चीज देखना है, अरे वो गलती, मान के चलिए ऑडियंस है और सामने आपको ये जो बोल रहा है ये सब गलतियां कर रहा है, तो आपको देखना, अरे वो ऊपर देख रहा, हमको नहीं देखना है, मैं सामने देखूंगा। अरे वो हाथ पॉकेट में रखा है, वो हाथ पीछे रखा है, मेरे को नहीं रखना, मेरे को हाथ ऐसे रखना है, मेरे को सारे से आई कॉन्टैक्ट मिलाना है। तो ये चीज आप दूसरों की गलतियां देख के आप वो गलतियां नहीं करोगे, आप सीख जाओगे। समझ में आई बात को? तो बोला जाता है कि उनसे मिलिए जो फेल हो गए, जिन्होंने कहां कहां गलतियां किया, तो वो गलतियां आपकी शेयर करेंगे। अरे यार मैंने इस बुक पे इतना टाइम स्पेंड कर दिया, मेरे को ये चीज इतना नहीं पढ़ना चाहिए था, मैंने इस पे बहुत ज्यादा टाइम दिया, इसलिए मेरा ये हो गया। तो गलतियां आपको बताएंगे और वही गलतियां से आप सीख लोगे और आप जल्दी से कोई चीज को हासिल कर पाओगे, जल्दी से आप कोई चीज को क्रैक, कोई एग्जाम को क्रैक कर पाओगे। समझ भाई? तो इस चीज को फॉलो करिए गाइस। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं गाइस तो बस इसी मेंटेलिटी से करिए, बस अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए, नियत अच्छी और दूसरों से सीखते रहिए। समझ में आ रही बात को? इसके इंतजार में मत रखिए कि हमको वक्त सिखाएगा, हमको ठोकर लगेगा तभी सीखेंगे, ऐसा नहीं है। कभी कभी होता है कि हमको दूसरों से सीखना चाहिए, हमेशा सीखते रहिए। क्या कर रहा है हमेशा, हर एक इंसान से आप कुछ ना कुछ सीखोगे। मैं रियली बोल रहा हूं, हर एक इंसान से आपको सीखना कुछ ना कुछ मिलेगा। समझ में आई बात को? मैं एग्जांपल दूं, कैसे आप सीख सकते हो? आप बोलेंगे सर बुरे इंसान से हम कैसे सीखेंगे, बुरे इंसान से कैसे सीखेंगे? मैं आपको एग्जांपल देना चाहूंगा, चंगेज खान जान रहे हैं, पूरे अर्थ के आधे हिस्से पे उसका कब्जा था, बहुत करोड़ों लोगों को उसने मारा था
उसने आधी आबादी को मार दिया था। बहुत ही बुरा इंसान था वो, बड़ा ही गंदा इंसान था, पूरी आधी अर्थ पे उसका कब्जा था, समझ में आई। बट उससे सीखने की क्या बात है पता है, मैं रैली बताऊंगा, मैं तुम ध्यान से सुनिएगा। पता है चंगेज खान की मौत हुई तो 10 साल तक किसी को पता नहीं चला था उसकी मौत की खबर, पूरी आर्मी को, पूरे दुनिया में किसी को पता नहीं चला कि चंगेज खान मर गया। सोचिए कितना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन था उसका, बॉन्ड जो था आर्मी की, उसकी सारे से रिलेशन जो थी, कितनी बॉन्ड थी, मजबूत थी। 10 साल बहुत ही बड़ा टाइम होता है गाइस, किसी को पता नहीं चला कि चंगेज खान मर गया है। तो ये चीज हमको सीखनी होती है, हर इंसान से आप कुछ ना कुछ सीखिएगा। तो गाइस सीखते रहिए और सबको सिखाते हुए रहिए। तो मैं होप करता हूं कि आपको ये मैसेज अच्छा लगा होगा, स्टोरी पसंद आई होगी। तो गाइस इस मैसेज को सबके साथ शेयर कीजिए ताकि उनको हेल्प हो, वो जल्दी से क्रैक कर सके, उनको बड़ा ही मोटिवेशन मिले। ठीक है, तो तब तक के लिए दैट्स ऑल, हैव अ नाइस डे गाइस, अपना ध्यान रखिएगा, अच्छे से रहिएगा। जय हिंद एवरीवन।